सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 9.2 का पहला सवाल हल करेंगे। ठीक है, पीछे की पूरी प्रश्नावली मैंने आपको समझा दी है। अगर आपने वो सवाल नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमें प्रश्न नंबर एक में ये दो डिब्बे दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि इन दोनों डिब्बों में से किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो बच्चों सबसे पहले तो हमें इसके लिए ये निकालना है कि इस डिब्बे को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी और इस डिब्बे को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी। जब हमें ये मिल जाएगा कि इन दोनों डिब्बों को बनाने के लिए कितनी कितनी सामग्री की आवश्यकता है, तो हम ये बहुत आसानी से बता पाएंगे कि इन दोनों डिब्बों में से किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। ठीक है, अब बच्चों हम यहां पर यह कैसे निकालेंगे कि इस डिब्बे को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी और इस डिब्बे को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो बच्चों इसके लिए हमें इन दोनों ही डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, हमें डिब्बा बनाना है और डिब्बे में होते हैं 6 पृष्ठ, तो हमें इन 6 के 6 पृष्ठों को बनाना होगा। यानी एक ऊपर वाला पृष्ठ बनाना होगा, यानी ये वाला पृष्ठ, दूसरा इसके नीचे वाला पृष्ठ बनाना होगा, तीसरा ये सामने वाला पृष्ठ बनाना होगा, चौथा इस पृष्ठ के जो पीछे वाला पृष्ठ है ये बनाना होगा, पांचवा ये वाला पृष्ठ बनाना होगा, ठीक है, और छठा इधर वाला पृष्ठ बनाना होगा। ऐसा ही इस डिब्बे को बनाने के लिए करना है, इसके भी हमें 6 के 6 पृष्ठ बनाने हैं। ठीक है, तो बच्चों इन 6 के 6 पृष्ठों का जो क्षेत्रफल है इसी को कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस सवाल में बच्चों हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ही डिब्बों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं। जब हमें इन दोनों डिब्बों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि इस डिब्बे को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता है और इस डिब्बे को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता है। फिर हम बहुत आसानी से बता देंगे कि दोनों में से कौन से डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हमें इस डिब्बे की यानी डिब्बे ए की मापे क्या क्या दे रखी हैं? तो देखो बच्चों, इसकी लंबाई हमें 60 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस वाले डिब्बे की यानी डिब्बे बी की मापे हमें क्या दे रखी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों ही 50-50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमारे पास मापे हैं दोनों डिब्बे की, तो हम बहुत आसानी से इन दोनों ही डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बाकी की चीजें आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों सबसे पहले हम डिब्बे ए की बात कर लेते हैं। इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इस डिब्बे को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता है ये निकालना है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो डिब्बा ए बनाने के लिए आवश्यक सामग्री बराबर क्या हो जाएगा, इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्योंकि डिब्बा घनाभ के आकार का है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, 2 और ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एल गुणा बी, ठीक है, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी बी गुणा एच, प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई यानी एल गुणा एच। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें हमें मान रख लेना है, तो चलिए मान रख लेते हैं, 2 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, फिर एल गुणा बी यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 60 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, प्लस बी गुणा एच यानी चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो चौड़ाई कितनी है बच्चों 40 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, प्लस एल गुणा एच यानी लंबाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई कितनी है 60 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने मान रख लिए, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 2 और ब्रैकेट में 60 गुणा 40 ये हो जाएगा बच्चों 2400, प्लस 40 गुणा 50 ये हो जाएगा 2000, प्लस 60 गुणा 50 ये हो जाएगा 3000। ठीक है, अब इन तीनों को हमें जोड़ लेना है, तो 2 ज्यों का त्यों रहेगा और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2400 प्लस 2000 प्लस 3000, टोटल हो जाएगा भाई 7400 यानी 7400। ठीक है, अब इन दोनों की हमें गुणा कर लेनी है, तो 2 गुणा 7400 ये हो जाएगा 14800। ठीक है, और ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो यहां हमने क्या निकाल लिया कि डिब्बा ए बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता है। तो कितनी सामग्री की आवश्यकता है, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर सामग्री की। ठीक है, अब इसी प्रकार हम डिब्बा बी बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता ये निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो बच्चों डिब्बे बी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही हमें 50-50 सेंटीमीटर दे रखी हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है कि इस डिब्बे को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो डिब्बा बी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री बराबर हो जाएगा डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर भी हमें क्या करना है, फॉर्मूला सेम रखना है, दो ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें हमें मान रख लेना है, तो दो ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 50 सेंटीमीटर है गुणा चौड़ाई भी है 50 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और गुणा ऊंचाई भी 50 सेंटीमीटर प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई 50 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई भी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, मान रख लिया हमने, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दो ज्यों का त्यों रहेगा और ब्रैकेट में 50 गुणा 50 ये हो जाएगा बच्चों 2500 प्लस, फिर है 50 गुणा 50 तो ये भी हो जाएगा 2500 प्लस 50 गुणा 50 2500। ठीक है, अब इन तीनों को हमें जोड़ लेना है, तो दो ज्यों का त्यों रहेगा और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2500 प्लस 2500 5000 प्लस 2500 7500 यानी 7500। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा कर लेनी है, तो 2 × 7500 ये हो जाएगा भाई 15000 और ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हमने क्या निकाल लिया कि डिब्बा बी बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता है। तो बच्चों डिब्बा बी बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता है, 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर सामग्री की। ठीक है, तो यहां हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भाई डिब्बा ए बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है, 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर सामग्री की आवश्यकता है, जबकि डिब्बा बी बनाने के लिए ज्यादा सामग्री की आवश्यकता है यानी 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर सामग्री की आवश्यकता है। तो बच्चों किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है, डिब्बा ए बनाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों डिब्बा ए बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है ये हमें लिख देना है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर सवाल आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।